स्वागत है आप सबका। आज हम पुरानी फिल्में और नई फिल्मों में थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर आपने अपने माँ बाप से सुना होगा कि हमारे जमाने में जो मूवीज बनता था उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता था, तो चलिए देखते हैं क्या सीखने मिलता था। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। तो क्या सीखे आप इस गाने से? ये ना कि अगर आप लुंगी पहने रहोगे तो आपका खड़ा रहेगा, और इस गाने में खड़ा है बोलने की कोई जरूरत था ही नहीं। खड़ा हूँ तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, ये बोल के भी गाने को गाया जा सकता था। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों गाएंगे? उनको तो सिखाना था ना खड़ा है, उनको ज्ञान बांटना था। खैर छोड़िए, अगले गाने पे बढ़ते। सबसे पहली बात, इधर गलत सीख दिया गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आप ये सोचिए कि आपके जिंदगी में वो सुनहरा पल आई गया जहाँ पे एक लड़की आपको उसके मालगाड़ी पे धक्का लगाने दे रही है, और धक्का लगाने से पहले आपके दिमाग में ये गाना आया था और आप उस लड़की को खींच के एक लात मारते हो। खैर आप ही बताना कमेंट करके नीचे कि क्या होगा उसके बाद। साला लड़की मिलती नहीं, मिले तो लात मार दो, क्या बात है। अब हम बढ़ेंगे डांस पे। यहाँ पे भी आपने सुना होगा कि आजकल की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचती है। डांस तो हमारे जमाने में हुआ करता था, तो चलिए देखते हैं कैसा डांस हुआ करता था। इससे क्या सीखने मिलता है वो मैं समझ चुका हूँ। पहले जमाने में क्या होता था ना, ड्यूरेक्स और मैनफोर्स नहीं हुआ करते थे, और इसीलिए ड्यूरेक्स और मैनफोर्स के ना होने की वजह से उस जमाने के बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोविंदा का डांस किया करते थे। प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन ही होता है ना, चाहे वो रबर का हो या साड़ी का, काम एक ही करता है। तो पहले जमाने के बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से इस तरह से बात किया करते होंगे। हेलो बेबी, आज मेरे दोस्त का फ्लैट खाली है, चलो चलते हैं, तुम बस आते हुए 2-3 साड़ी लेते हुए आना। ऊपर से नहीं भी पहनोगी तो चलेगा, लेकिन कमर के नीचे से जरूर पहनना, क्योंकि आज हमको गोविंदा का डांस जो करना है। चलिए अभी फिल्मों पे बढ़ते हैं। तो आपने माँ बाप के मुंह से ये भी सुना होगा कि आजकल की मूवी सिर्फ हवस दिखाती है, फिल्में तो हमारे जमाने की हुआ करती थी, तो चलिए उस पे भी नजर मारते हैं। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इससे क्या सीख मिला होगा किसी को। मतलब आप सोचिए, कोई बंदा अपना बुल्ला खुला रख के रास्ते में घूम रहा है, आपको वो देख के कैसे लगेगा? और उससे भी बड़ी बात तो ये कि अच्छा हुआ कि हमारे जमाने में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका नाम बुल्ला हो, और अगर कोई ऐसा होता तो उस बेचारे को तो चिड़ा चिड़ा के ही रैगिंग कर देते। फॉर एग्जाम्पल, ए बुल्ले दिमाग मत लगा, बुल्ले जितना तो दिमाग है तेरा। ए तू चुबैठ रे बुल्ले। अरे बुल्ले तुझे जितना काम दिया है तू उतना ही करना, नहीं आता है तो चुपचाप अपना बुल्ला पकड़ के बैठ ले कोने में। और सबसे ज्यादा मजा तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आता, जब क्लास टीचर सबके सामने चिल्ला के बोलती कि बुल्ले के पापा आगे आइए आप। और हाँ, मैं वीडियो को खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है मियाँ खलीफा का नया वीडियो आया जो काफी मजेदार है, तो आज रात को। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको अपना बुल्ला पसंद है तो हमारा फेसबुक में एक पेज है ओ कमेंटेटर करके, उसको लाइक और फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।